वैश्विक कोरोना महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश में कैंसर और किडनी सहित अन्य रोगों से प्रभावित पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन वरदान साबित हुई है। ऐसे लोगों को जिनका उपचार पीजीआई चंडीगढ़, आईजीएमसी शिमला सहित अन्य बाहरी अस्पतालों में चल रहा है और दवाई का सेवन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से घर द्वार दवाइयाँ मुहैया करवाई जा रही है। इसी कड़ी के तहत सुंदरनगर में भी दवा निरीक्षक लोगों को घर द्वार दवाइयां मुहैया करवा रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर रीना कुमार ने बताया कि अभी तक 90 से अधिक लोगों को घर द्वार दवाइयां मुहैया करवा दी गई हैं। जिन लोगों की दवाइयों का खर्चा 7 से 8 हजार रूपए ऊपर बैठता है, वह हमारे विभाग के सहायक के खाते में एडवांस में कुछ पैसा जमा करवा दे ताकि दवाइयाँ लाने में कोई दिक्कत न हो। नमस्कार सर, मैं विनोद गांव भौर से बिलोंग करता हूं। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो कोरोना वायरस के कारण जो हमें चंडीगढ़ जाने में दिक्कत आ रही थी, तो इस अकॉर्डिंग मेरी एसडीएम साहब से भी बात हुई थी, तो उन्होंने व्हाट्सएप नंबर हमें जो है सेंड किया था, उस पर हमने अपने मेडिसिन की जो है डिटेल्स भेजी और एसडीएम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी जो मेडिसिन है एक दिन के अंदर ही हमें प्रोवाइड करवाई और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ बैठे हमारे मिस रीना चंदेल जी का भी, जिन्होंने मुझे जो दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई। और ये मेरी जो दवाइयाँ ही मेरे रेट से कम 2500 रुपए की थी, लेकिन मेरी आर्थिक तंगी होने के कारण मुझे इन्होंने ये दवाई मात्र सिर्फ 1500 रुपए में जो है दिलवाई है। और जो ये अफवाहें जो न्यूज़पेपर में फैला रहे हैं कि ये दवाइयाँ एक्स्ट्रा पैसे लेके जो है लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं, ये सब कुछ गलत है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं, मेरा भी इनके पास बिल पड़ा है, 2500 का जो बिल बना था, लेकिन इन्होंने मेरी आर्थिक तंगी को देखते हुए मुझे सिर्फ मात्र 1500 रुपए में मेरी मेडिसिन जो है उपलब्ध करवाई है। इसलिए मैं माननीय श्री एसडीएम साहब का भी और ड्रग इंस्पेक्टर में बैठे सभी माननीय श्री जयराम ठाकुर जी का भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आप बोलिए। हेडक्वार्टर सुंदरनगर के अंतर्गत मेरे पास दो तहसील इस टाइम है, तहसील करसोक एंड तहसील सुंदरनगर। तो लॉकडाउन होने के बाद हमारे पास जिन भी लोगों को मेडिसिन घर पे चाहिए या जो लोग मेडिसिन चंडीगढ़ से ले रहे हैं, जो कि किडनी या कैंसर के पेशेंट हैं जिनकी दवाइयां मंडी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं हैं, उन्होंने थ्रू सीएम हेल्प जो एसेंशियल मेडिसिन हेल्पलाइन खोली गई है उसके थ्रू अप्लाई किया है। जो अप्लाई हुआ है उसमें मेरे पास दो तरह से लिस्ट आ रही है। एक तो मुझे डायरेक्टली शिमला से आ रही है जिसमें कि पेशेंट तहसील करसोक के भी हैं और तहसील सुंदरनगर के भी हैं। कुछ लिस्ट हमारे पास डायरेक्टली एसडीएम ऑफिस से आ रही है, उस लिस्ट में हमारे पास पेशेंट मिलनी तहसील सुंदरनगर से हैं। तो ऑलमोस्ट जो मेरे पास ये लिस्ट आना शुरू हुई है ये 6 अप्रैल से आना शुरू हुई है। 6 अप्रैल में मेरे पास 10 पेशेंट आए थे जिनको कि हमने क्लियर कर दिया है, जिनकी मेडिसिन हमने डिलीवर करवा दी है। उसके बाद मेरे पास 7 अप्रैल को एक पेशेंट आया था जिसकी उसकी भी मेडिसिन मैंने डिलीवर करवा दी है। 8th, 9th, 10th और 11th अप्रैल तक मेरे पास कुल मिला के 12 पेशेंट आए थे, उनकी भी हमने मेडिसिन डिलीवर करवा दी है। ये लिस्ट हमारे पास शिमला की थी जो कि ऑलमोस्ट कवर की है, बट जैसे कि लिस्ट हमें हर रोज़ मिलती है तो इस हिसाब से हमारे पास अभी पेशेंट पेंडिंग चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो लिस्ट हमारे पास एसडीएम ऑफिस से आ रही है, इस लिस्ट में ऑलमोस्ट 7th अप्रैल से अभी तक मुझे 70 पेशेंट की लिस्ट मिली है जिसमें से हमने अराउंड 55 पेशेंट जो है कवर कर दिए हैं, उनकी मेडिसिन डिलीवर करवा दी है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी, इस लिस्ट में ऑलमोस्ट 35 पेशेंट ऐसे थे जो कि किडनी और कैंसर के पेशेंट हैं जिनकी मेडिसिन बेसिकली चंडीगढ़ से ही मिलती है, और इन पेशेंट की मेडिसिन अरेंज करवाने में हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि हमें एक ऐसे डेलीगेट की ज़रूरत थी जो यहाँ से इनकी प्रिस्क्रिप्शन ले जाए और चंडीगढ़ से इनकी दवाइयाँ लेके आए। लेकिन प्रेजेंटली हमने वो भी अरेंजमेंट करवा दिया है। लोगों से हमने इसमें थोड़ी सी अपील की है कि जिनकी दवाइयाँ 7, 8, 10 हज़ार से ऊपर की है वो थोड़ा सा अमाउंट उस लड़के के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दे जो कि उनकी दवाइयाँ लेने के लिए गया है, क्योंकि इतना अमाउंट रखना मुश्किल था। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। सारा विश्व कोरोना की महामारी से त्रस्त है, हमारा देश भी अछूता नहीं है, अतः आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें
और सारे कर्फ्यू के जो नियम है उसका पालन करें। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड 19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड 19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।